फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले सारे उसमें डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं फॉर्मूले का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें देखो, इंट्रोडक्शन में क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तीन टाइप के मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल यूजिंग पार्शियल फंक्शन, और उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, अपन सबसे पहले इस मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसी को मैं पुटिंग भी बोल सकता हूँ। पुटिंग कौन सा मेथड हो गया, ये पुटिंग मेथड, कि किसी वैल्यू को पुट करके उसको डीएक्स के फॉर्म में लाना आपका पुटिंग मेथड ही होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 7.2 के अंदर इस मेथड का यूज करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रल के अंदर टू टाइप्स के अपन इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। पहला आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, फिर आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है ना, इसमें जो प्लस सी होगी वो वैल्यू आएगी, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी वो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, जिसमें लिमिट का यूज करेंगे, पर लिमिट ए टू बी इनका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अपन कौन से इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला आपका जो मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं तो मेथड ऑफ पुटिंग के लिए देखिए आप, इस मेथड की मैं बात करूं तो इस मेथड के अंदर अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको समझ में आएगा कि इस मेथड का यूज क्या है। ठीक है ना, वैसे तो अपन एक्सरसाइज 7.1 में भी डिस्कस किए हैं एक दो क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी देख लीजिए आप। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट ले लेता हूं मैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन, यानी आपकी जो वैल्यू गिवन है वो है, देखिए 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही है। ठीक है ना, इतनी वैल्यू आपको गिवन है और अगले ने बोल दिया कि इंटीग्रेट करना आपको, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेट i इक्वल टू, ऐसे तो करेंगे। ठीक है, अब इस नीचे वाली वैल्यू को मैं एक्स पुट टी पुट कर दो या यू पुट कर दो, कोई भी वेरिएबल के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है। इसको मैं टी पुट कर दू तो ये डीटी में चला जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू को मैं टी पुट करूं, अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। 1 का डिफरेंशियल कितना, 0, एक्स स्क्वायर का करूं तो पावर पहले पावर में से 1 कम, एक्स का कितना डीएक्स, टी का कितना डीटी। तो देखो ये डीएक्स और यानी 2 इंटू एक्स इंटू डीएक्स किसमें चला गया, ये पूरी वैल्यू किसमें आ जाएगी आपकी डीटी में। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये वैल्यू आपकी t में और ये वाली वैल्यू आपकी dt में। ठीक है, इतना मैं इसको लिख सकता हूं। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू dx इक्वल टू क्या होगा, log mod ऑफ x प्लस में c, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट करूं इसको तो log 1 यानी t प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो लॉग टी की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन के अंदर इस मेथड का यूज करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करता हूं, देखिए ध्यान से इन फॉर्मूले का, चार फॉर्मूले डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले की बात करता हूं। ठीक है, तो देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर अपन जो फॉर्मूले आपको 7.1 के अंदर मैंने डिस्कस करवाए हैं उनके अलावा चार फॉर्मूले आपके यहाँ पे और होंगे। अब वो चार फॉर्मूले कौन से होंगे वो देखो, पहले आप याद करो कि मैंने आपको वहां पे साइन का फॉर्मूला बता दिया था, फिर मैंने आपको कोस का भी बता दिया था, टेन का नहीं बताया था, सेक स्क्वायर का लिया था अपन। ठीक है ना, अब जो फॉर्मूले वहां पे यूज नहीं हुए उन्हीं फॉर्मूले का मैं यहां पे यूज करूंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू में डीएक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस में सी। दूसरा फॉर्मूला इसी को लिख सकता हूं, माइनस लॉग
कोस एक्स प्लस में सी, कोस एक्स प्लस में सी ये ले सकते हैं। फिर दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं, सेक स्क्वायर के बाद में मैंने क्या ले लिया था, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स ले लिया था, लेकिन सेक नहीं लिया था, ठीक है। तो अब लेंगे अपन यहां पे सेक एक्स को, किसको लेंगे, पहले कोट को ले लो क्योंकि कोट का भी नहीं लिया था ना, तो कोट को ले लेता हूं मैं। तो कोट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस में सी, ये फॉर्मूला। फिर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूं तो थर्ड में आएगा आपका सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये भी नहीं था वहां पे, ये भी नहीं था, ये भी नहीं थे, सिंगल फॉर्मूले नहीं थे। आप इनको डिफ्रेंशिएट करना जानते हो लेकिन इंटीग्रेट करना नहीं जानते, ठीक है। तो अपन इंटीग्रेशन के अंदर इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये स्पेशल फॉर्मूले के अंदर काउंट हो जाते हैं, ठीक है ना। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो इसका जो फॉर्मूला है ये अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करते हैं, आपकी बुक में गिवन है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी, ये हो गया। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं, आपकी बुक में इतना ही गिवन है, दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग, क्या होगा देखो, मोड ऑफ ले लो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस में सी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। फिर इसका जो फोर्थ फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेक आ गया, कोसेक एक्स को ले लो, इसका फॉर्मूला होगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस प्लस सी, एक ये फॉर्मूला होगा और ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, लॉग टेन एक्स बाई टू का मॉडुलस प्लस में सी, एक ये फॉर्मूला। इन फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करना है, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉपर्टी को देख के आप इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपका है, देखो सेकंड की बात कर लेता हूं, फर्स्ट तो आपको कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो गिवन है वो है, देखो क्या गिवन है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो देखो कितनी आएगी, लेट करके आई मान लीजिए, आई लगाते इंटीग्रेशन हो गया और इंटू में डीएक्स। तो यदि मैं इसको पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स इंटू डीएक्स किस में आ जाएगा, डीटी में, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट होना पता होना चाहिए क्योंकि जिस वैल्यू को आप पुट करो उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूं लॉग एक्स को, क्या पुट कर दूं, टी पुट कर दूं, तो वन अपॉन लॉग एक्स का कितना, वन अपॉन एक्स, एक्स का कितना, डीएक्स, टी का कितना, डीटी। अब ये आपके क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, ये पूरी वैल्यू किसमें काउंट हो जाएगी, इसमें। तो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या देखो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, मैं ओनली आपको समझाने के लिए है, इसी को लिख सकता हूं मैं वन अपॉन एक्स इंटू में डीएक्स, ठीक है। अब मैं वैल्यू में पुट कर दूं ये सारी की सारी, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू अपने पास में है कितनी, टी, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू किस में आ गई, डीटी में। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, डीटी में। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला जानते हैं, किसी की पावर एन हो तो पावर में एक एड करके डिवाइड कर दो, तो टू, टी की पावर टू है तो टी की पावर टू में एक एड कर दो और एड करके डिवाइड कर दीजिए, और प्लस में कितना आपका सी। इसी को मैं क्या ले सकता हूं, देखो टी, ये तो थ्री आ जाएगा, ये कितना टी, और टी की वैल्यू कितनी है लॉग, तो लॉग एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री और प्लस में सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट को देखिए यहां पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री की मैं बात करता हूं तो आई इक्वल टू, ठीक है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट में लिखता हूं, तो वन अपॉन में एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसका क्या करना है आपको, डीएक्स करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन की थीम को समझना,
यदि मैं एक्स को कॉमन निकाल दूं और इस लॉग एक्स को पुट कर दूं तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इंटू में डीएक्स। अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन आपके पास मिलेगा कैसे, इसी वैल्यू को मैं पुट कर दूं क्या, वन प्लस लॉग एक्स को मैं टी पुट कर दूं, इसी को इंटीग्रेट करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जीरो, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, एक्स का डीएक्स और टी का डीटी, इस वैल्यू को मैं डीटी पुट कर सकता हूं। तो ध्यान से देखिए इसी को, ये वन अपॉन एक्स इंटू डीएक्स तो किसमें, डीटी में, और ये पूरी वैल्यू किसमें, टी में, तो वन अपॉन टी हो गया और इंटू में कितना डीटी। अब वन अपॉन टी का अपन जानते हैं क्या होगा, लॉग मोड ऑफ टी इन प्लस में सी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं लॉग मोड ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी है ये रही, तो इसी को लिख सकता हूं मैं वन प्लस लॉग एक्स और प्लस में सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए इतना, ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको जो गिवन है क्वेश्चन वो देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन और एंगल आपका कोस एक्स, एंगल क्या आपका कोस एक्स। तो देखो ध्यान से, अब करने के लिए तो अपन इसको पुट करेंगे तो ये देखो डीएक्स में नहीं जाएगा, लेकिन मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं तो ये वाली वैल्यू पूरा डीटी में चला जाएगा। तो पुट करना है आपको किसको, कोस एक्स को, किया पुट्टी। अब मैं कोस एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो कोस एक्स का डिफरेंशिएट कितना माइनस साइन एक्स, एक्स को करूं तो एक्स का कितना डीएक्स, टी का कितना डीटी, ये माइनस नहीं है इसके अंदर तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू डीएक्स इंटू इक्वल टू माइनस डीटी, ये आपको पुट करना है। तो देखना क्वेश्चन की थीम को, ये दोनों वैल्यू तो डीटी में गया और जो ये माइनस इसको मैं आगे ले लेता, फिर कौन है साइन है, ये साइन लीजिए, फिर इसका एंगल इसको मैंने टी पुट कर दिया तो ये बन जाएगा, ये बन गया तो इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस साइन टी को इंटीग्रेट करूंगा तो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना माइनस कोस टी और इंटू प्लस में कितना सी, ये आ जाएगा। अब इसी को लिख सकता हूं ये माइनस माइनस तो प्लस कोस टी और टी की वैल्यू कितनी है कोस एक्स है प्लस में सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको क्या गिवन है वो देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं अपन, आई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू में डीएक्स। पहले तो आपकी बुक का जो आंसर है उसी के अकॉर्डिंग लेता हूं मैं इसको, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं सबसे पहले। तो देखिए ध्यान से इसको भी, देखिए इसको मैं आपके आंसर की बुक यानी जो बुक के अंदर आंसर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करूं, तो मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उन फॉर्मूले को देखिए तब जाके ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आपका क्या, टू इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा इसका साइन टू एक्स होगा, ये तो होगा। अब यहां पर यदि मैं टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला बन गया टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, क्या बना वन अपॉन टू तो बाहर, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन टू
ए एक्स प्लस में बी इंटू में डी एक्स, ये बन गया। अब इसको टी पुट कर दो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यदि मैं इस पूरे को टी पुट कर दूं, इस पूरे को, तो क्या मिला, टू इंटू ए एक्स प्लस बी, पुट कर रहा हूं मैं इसको, इक्वल टू में टी पुट कर दिया। टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए। ए एक्स में ए कांस्टेंट है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ए कांस्टेंट है तो इसको मैं करूं तो देखो ए तो आएगा आपका, इसका तो ए एक्स का वन और प्लस बी का जीरो इंटू में एक्स का डी एक्स और डी टी, टी का डी टी, ये वैल्यू आ गई। इसी को ये टू ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी, वन अपॉन में टू इंटू डी टी, ये चला जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू तो बाहर है आपका, और फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, साइन ये पूरी वैल्यू को मैंने टी पुट कर दिया इंटू में डी टी बाई टू ए, ये टू ए बाहर आएगा तो वन अपॉन में फोर ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू में डी टी, ये आ जाएगा। अब साइन टी का इंटीग्रेट अपन जानते हैं क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस में सी, पुट कर दो वैल्यू तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन में फोर ए कोस t की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस में b प्लस सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये एक मेथड था, दूसरे मेथड की मैं बात करूं तो दूसरे को और देख लो, ठीक है, आपका जो आंसर वो आएगा नहीं लेकिन आप इस एग्जाम को एग्जाम के अंदर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे यदि आपका साइन है, यदि मैं कोस पुट कर दूं या फिर इसी को ले लो, ये उठा दो एक बार, ये नहीं लेना आपको, ठीक है ना, ये इसी के अंदर लेना। यदि मैं पुट कर दूं किसको, कोस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, टी पुट कर दूं, तो कोस को डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, यही आएगा। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का करूं तो कितना, मल्टीप्लाई में ए बी का जीरो हो गया और एक्स का कितना डी एक्स इक्वल टू में डी टी, ये आ जाएगा। तो ये माइनस और ये जो एक्स एक्स का वैल्यू आपकी ए, ये अपॉन में और इंटू में कितना डी एक्स, तो डी टी अपॉन माइनस का टू, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या मिला, देखो ये पूरी वैल्यू तो इसमें आ गया, इसको मैंने टी पुट कर दिया तो क्या लिख सकता हूं, डी टी बाई माइनस का टू ए, इसी को लिख सकता हूं मैं माइनस वन अपॉन में टू ए, और इंटीग्रेट करना आपको टी इंटू डी टी अपॉन में अपॉन ही कुछ, ठीक है ना, इतना आ गया। तो आई इक्वल टू माइनस वन अपॉन में टू ए, इसको इंटीग्रेट करूं तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में इंटू नहीं प्लस में सी, ये आ जाएगा। तो वन अपॉन में टू ए, वन अपॉन में टू ए, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये टू टू फोर हो गया तो फोर तो आ गया अपने जो कांस्टेंट वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है आपकी, कोस है, और इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको टी पुट करो तो ये डी टी में चला जाएगा, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से आपका एक सेम आंसर आएगा और ये फॉर्मेट से आपका आंसर ये आएगा। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूं कौन सा मेथड से आंसर क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये वैसे बुक के अकॉर्डिंग लग रहा है मुझे, देखो फोर पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका बुक में आंसर गिवन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर आपका है सेवन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स के बारे में डिस्कस करें तो सिक्स में आपको गिवन है इंटीग्रेशन करना है किसका, रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का करना है। तो देखो सिंपल सा है, डायरेक्ट करो आपकी मर्जी है, न करो टी पुट कर दो, ए एक्स प्लस बी को मैं क्या पुट कर दूं, टी पुट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट करूं तो ए तो क्या है कॉन्स्टेंट, एक्स का वन हो जाएगा,
प्लस बी का बी किसके रेस्पेक्ट में रहे, एक्स के, तो डीएक्स ठीक है इक्वल टू में कितना डीटी, तो डीएक्स की वैल्यू कितनी डीटी बाई में ए। अब देखो जो आई है वो क्या मिला आपको, ये तो टी हो गया और इस टी पे क्या रूट है, और ये आपका डीएक्स की वैल्यू कितनी डीटी बाई में ए, ए तो बाहर आ जाएगा तो वन अपॉन ए इंटीग्रेट, इसको मैं पावर में कन्वर्ट करूं तो वन बाई टू इंटू में डीटी। अब पावर का करना अपन जानते हैं क्या होगा कि पावर के अंदर वन को एड कर दीजिए और एड करके डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका सी। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी वन अपॉन में ए, इसको क्या ले सकता हूं मैं टी की पावर थ्री बाई टू और इसको क्या ले सकता हूं मैं थ्री बाई टू प्लस में सी। अब वापिस इसको मैं क्या ले सकता हूं, देखो ये टू तो अपॉन में, तो टू अपॉन में कितना थ्री ए, इस टी की मैं वैल्यू पुट करूं तो ए एक्स प्लस में बी और इसकी पावर कितनी थ्री बाई टू प्लस में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है सेवन के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहले इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन की थीम को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ये समझ में आ गया तो आराम से आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन की मैं बात करूं तो आपको इंटीग्रेट करना है एक्स रूट एक्स प्लस टू, इसी को इंटीग्रेट करना है तो आई मान लीजिए और ये आपका डीएक्स मान लीजिए। अब देखो आप एक्स को अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, करोगे तो एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको इंटीग्रेट नहीं करके कर पाओगे आप। इससे अच्छा आप क्या कर दो कि इस अंदर वाली वैल्यू को टी पुट कर दूं, तो x प्लस टू क्या हो गया आपका टी, पुट कर रहा हूं मैं ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, देखो इसी को इंटीग्रेट करूं तो x का तो वन हो गया और टू का जीरो हो गया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं देखो इसको पूरा ही कर लिख देता हूं मैं, क्या लिखूंगा इसको ये वन और ये जीरो किसके रेस्पेक्ट में x के, तो dx इक्वल टू में dt, तो dx की वैल्यू तो कितनी आ गई dt आ गई। यहां से यदि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो t माइनस टू आ जाएगा ठीक है। अब देखो i इक्वल टू x की कितनी वैल्यू है ये रही t माइनस टू और इस पूरे की वैल्यू कितनी है रूट टी इंटू में dx, ये ले सकते हैं। तो i इक्वल टू ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर वन है, इसकी पावर डी वन बाई टू है ठीक है। उसके बाद में आगे लिखूं इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई तो टू इंटू टी की पावर वन बाई टू, ये पूरा आ जाएगा इंटू में डी टी, डी टी है भाई ये। अब इसी को मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये कितना टी की पावर थ्री बाई टू इंटू में कितना है डी टी माइनस टू, तो क्या है कॉन्स्टेंट है टी की पावर वन बाई टू इंटू में कितना है डीटी, इंटीग्रेट कर देते हैं तो टी की पावर का मैं इंटीग्रेट करूं तो एक एड कर दो तो टी की पावर थ्री बाई टू प्लस में वन अपॉन में थ्री बाई टू प्लस में वन, फिर माइनस है और ये टू इसका करो तो टी की पावर वन बाई टू के अंदर वन एड करो और वन बाई टू एड करके वन को एड करके डिवाइड कर दीजिए और प्लस में कितना सी याद आएगा। तो आई इक्वल टू टी की पावर फाइव अपॉन में टू और ये फाइव अपॉन में टू माइनस टू इंटू टी की पावर कितना थ्री बाई टू अपॉन में ये वैल्यू कितनी थ्री बाई टू प्लस में सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, यदि मैं टी की वैल्यू पुट कर दूं और ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई तो टू बाई फाइव और यहां पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस टी की वैल्यू है एक्स प्लस टू की पावर फाइव अपॉन में टू और ये उल्टा हो गया मल्टीप्लाई होगा तो कितना फोर बाई थ्री और टी की वैल्यू है एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू और प्लस में आपका सी,
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक कर लेता हूं एक बार मैं क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, तो देखिए 8 को भी कर लेते हैं अपन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ भी नहीं है आपका, तो ध्यान से देखो वही पुटिंग वाला मेथड आपको अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, एक्स रूट, किसको करना है, एक्स रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करूं तो लेट करके आई, ये इंटीग्रेशन साइन किसके रेस्पेक्ट में करना है, डीएक्स के रेस्पेक्ट में करना है। देखो इसको मैं यदि टी पुट कर दो तो पुट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसको मैं यदि टी पुट कर दूं तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो, इसका तो 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का करूं तो 2x और x का कितना dx प्लस में इक्वल टू में कितना dt, याद रहेगा। अब ये तो 0 हो गया, ये कितना 4x इंटू में dx, 4x इंटू में dx। अब आपकी जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू है ये, तो ये तो चाहिए आपको, ये चाहिए, तो x इंटू dx की वैल्यू कितनी dt y में 4 आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो कितनी रूट टी, और फिर मैं x की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई dt y में 4 आ जाएगा। 1/4 तो बाहर, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 और इंटू में कितना dt। अब मैं इसी को लिख सकता हूं कि 1/4 और t की पावर 1/2 को करूं तो कितना आएगा, t की पावर कितना 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ये पूरा आ जाएगा आपका प्लस में c। तो जो i की वैल्यू आएगी वो 1/4 इंटू, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूं, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में c, ये ले सकते हैं। अब इसी को मैं क्या ले सकता हूं, देखिए ध्यान से, 1/4 तो यहां पे आ जाएगा सेम का सेम, और जो नीचे वाली वैल्यू है उल्टा होके मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगा आपका 2/3 इंटू, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में सी। इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगा, तो जो आई की वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन में 6 इंटू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आंसर को मैं एक बार चेक करता हूं, ठीक है आपका यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखो नेक्स्ट भी सिंपल ही है, कोई वो नहीं है ज्यादा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, क्या गिवन है देखिए ध्यान से, 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। देखो यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो डिफ्रेंशिएट कितना आगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को थोड़ा फॉर्मेट में बनाइए, क्या देखो 2 को कॉमन निकालूं तो 2x प्लस 1, अब ये वैल्यू इसी का डिफ्रेंशिएशन है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में कितना डीएक्स। अब करते हैं इसको पुट कर दीजिए, सबसे पहले पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या टी, इसी को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना 2x, इसको करो तो कितना 1, 1 को करो 0 और x के रेस्पेक्ट में तो डीएक्स, टी का डीटी आ जाएगा। अब मैं सारी वैल्यू पुट करूं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो dt में चला गया, और ये बचा वो 2 बचा, और ये आपका रूट और इसकी वैल्यू कितनी है t है, और इंटू में कितना है dt ये आ जाएगा। अब इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, और t को क्या ले सकता हूं मैं 1/2 इंटू में कितना dt, तो i इक्वल टू 2 इंटू t की पावर 1/2 प्लस 1
अपॉन में 1/2 + 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 × t^3/2 अपॉन में कितना 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये प्लस में c। इसी को मैं फिर से लिख सकता हूं कितना 1/2 1/3 कितना 1/3 1 और अपॉन में 3 और t की वैल्यू कितनी है x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या गिवन है वो देखो, आपको गिवन है कि i = इसको लेट कर लिया मैंने, i = 1/(x − √x)x * में कितना है dx, ये वैल्यू है। अब इंपॉर्टेंट लगाइए सबसे पहले तो, अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, कॉमन निकालता हूं। देखो इसी को यहां पे कर रहा हूं मैं, i = इंटीग्रेट करूं तो सबसे पहले नीचे से मैं रूट एक्स को कॉमन निकालता हूं। रूट एक्स को मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां से एक्स में से रूट एक्स बाहर आएगा तो रूट एक्स और ये बाहर 1 आ जाएगा। अब मैं पुट कर रहा हूं, पुट रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट कर दूं तो ये आ जाएगा। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है कि रूट एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूं d/dt करूं इसका तो 1/(2√x) हो जाएगा। उसी का अप्लाई करता हूं यहां पे तो क्या लिख सकता हूं, इसका डिफरेंशिएट कितना 1/(2√x − 0x)dx और ये आपका dt, टी पुट किया मैंने इसको, ये लो। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है ये तो जीरो को हटा दो, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई में। अब इसके अंदर तो 1/√x है तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इधर भेज दो तो 1/√x · dx = 2 · dt ये आ जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, i = ये जो पूरी वैल्यू है ये इतनी, ये तो dt में 2 × dt में इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इस पूरे को क्या माना मैंने t मान लिया और ये कितना 2 × dt। 2 तो क्या है कॉन्स्टेंट है तो 2 को तो बाहर निकाल देता हूं। 1/t का कितना log, 1/t का कितना log t प्लस में कितना c। अब इसी को लिख सकता हूं मैं i = 2 × log t की वैल्यू कितनी है √x − 1 + c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10th अब तक अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th का जो आंसर है आपका, ठीक है यही आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11 की बात करते हैं, ये अब कर लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में आपको जो गिवन है वो दे दिया अगले ने x/√x + 4 x > 0 ये दे दिया। तो लेट करके सबसे पहले तो i मान लीजिए, तो देखो i = √x + 4 · dx, इस वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूं x + 4 = t पुट करूं, ये पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर इसी को मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका तो 1 इसका 0 और x का कितना dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी dx = dt में, ठीक है ना। इसका 1 इसका 0 x का dx तो 1 × dx कितना dx = dt। अब यहां से जो वैल्यू आएगी इस x की पुट करना पड़ेगा तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी t − 4, इसका यूज करेंगे। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं i = √t − 4 / इसकी वैल्यू कितनी है √t,
ये तो है, इनटू में कितना है डीटी। अब देखो ध्यान से इसी को, अब करते हैं पर ध्यान से देखना, डिवाइड कर दूं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो I इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक t की पावर है 1, और ये t की पावर ऊपर जाएगी तो t की पावर 1/2 है ना, ऊपर जाते ही माइनस का 1/2, फिर माइनस 4 इंटू टी की पावर 1/2, इंटू में कितना है dt, माइनस आएगा और ये भी आपका माइनस आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर 1/2 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि 1 में से 1/2 को माइनस करूंगा तो t की पावर 1/2 प्लस में आएगा। अब इसी को इंटीग्रेट करता हूं, t की पावर इसका करूं तो t की पावर 1/2 के अंदर 1 को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 प्लस में 1, माइनस 4 तो कांस्टेंट है, इसको माइनस 1/2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस में 1 और प्लस में क्या आएगा c, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप रखना। इसी को मैं लिख सकता हूं, देखो ये तो 3/2 उल्टा हो गया 2/3, और ये कितना 3/2 माइनस, ये भी कितना देखो, ये तो 4 उल्टा हो गया 8 आ जाएगा यहां पे, और इसको लिख सकता हूं मैं t की पावर है ना 1/2 और 8, ठीक है, ये आ जाएगा t की पावर 1/2 और प्लस में c, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब मैं यहां से इसको कॉमन निकाल दूं, क्योंकि आपका आंसर मिलाना बहुत जरूरी है, तो यदि मैं कॉमन निकाल दूं किसको, t की पावर इसको कॉमन निकालना, मुझे t की पावर इसको कॉमन निकालना, तो t की पावर को मैं कॉमन निकालता हूं, t की पावर 1/2 को कॉमन निकाल रहे हैं अपन, तो यहां पर रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 टी की पावर 1, ठीक है, माइनस ये 8 ये बाहर आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका सी, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है, ये आपका सही तो ना, एक मिनट, ये 4 है, ठीक है, ये सही है। आगे देखो, आगे की मैं बात करूं तो देखिए ध्यान से, देखिए I इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4 पावर है, तो उस पावर को मैं 1/2 ही कर देता हूं, क्या कर दूं एक बार 1/2, ठीक है, ये 1/2, उसके बाद में है 2/3, ठीक है ना, ये 2/3 है उल्टा होके, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, फिर देखो, फिर आपकी वैल्यू t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपकी ये है x प्लस में 4, फिर है आपका ये हो जाएगा ना, और उसके बाद में वैल्यू है आपकी ये पूरा माइनस का 8, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब देखता हूं एक बार आंसर क्या है, ठीक है, आपका जो आंसर है वो 2/3 एक्स प्लस ये है, ठीक है, कॉमन क्या निकाल लिया मैंने, फिर अच्छा देखो भाई, ये इस फॉर्मेट में ना देख के, ये है आपका माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसी को आप इतना करके आओगे तो भी सही, आपका कोई वो नहीं गलत करने वाला, ठीक है ना, और ये अगले ने क्या किया इसके अंदर देखो, वैल्यू पुट करता हूं एक बार इसको, ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप इसको, ये I इक्वल टू, ठीक है ना, ये वैल्यू तो सही है ना आपकी, ये तो 4 और ये आपका 3/, ये 1/2 प्लस 1, तो कितना 1/2 उल्टा हो गया आपका, सही आ रहा है, देखो
ये आपका 2/3, कितनी वैल्यू आ गई 2/3। टू बाई थ्री इंटू टी की वैल्यू क्या है आपकी, टी की वैल्यू है आपकी एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस में सी। ये वैल्यू आपकी पुट होगी यहां से, ठीक है ना। अब जो आंसर में गिवन आपका जो आंसर है वो 2/3 रूट एक्स प्लस 4 ये आ रहा है 2/3, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू को कॉमन निकालेंगे अपन यहां से, तो जो वैल्यू आएगी वो देखो पूरी यानी 2/3 को कॉमन निकालना है तो कितना आएगा एक्स प्लस 4, इस वैल्यू को मुझे कॉमन निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये तो बाहर आ गया, यहां से वो 3/2 में से एक पावर बाहर आएगी, ठीक है ना, 1/2 है ना या पूरा है, 1/2 है। तो एक पावर आपकी क्या रहेगी यहां पे रिमेनिंग रहेगी। फिर यहां से मुझे देखना 8 में से मुझे 2/3 को कॉमन निकालना है, तो ये वाली चीज आपको लानी पड़ेगी। तो ये वाली वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू यही तो रही आपकी, कितनी माइनस का 8 इंटू 3/2 प्लस में सी, ये तो रहा है आपका, ठीक है ना। ध्यान से समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे इस पूरे में से यहां से ये भी कॉमन चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये कॉमन लाने के लिए ऊपर नीचे 2/3 और यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू आपकी 8 ही आएगी वापिस, देख लो कैंसिल आउट करके यही आएगा आपका, ऐसे में लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ ये 4। अब देखो ये मत लिखना आप, ये वाली चीज आपके नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर के अकॉर्डिंग ये 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2, इसी को लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस माइनस, ये देखो कितना 12 और प्लस में कितना सी। तो ये 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स 4 माइनस 12 कितना 8 प्लस में कितना सी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है वो देखिए। सबसे पहले आपको ये गिवन है कि x की पावर 3 माइनस 1 और इस पूरे की पावर आपकी कितनी है 1/3 और इंटू में कितना है एक्स बाई, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है तो ये आई लीजिए, ये लीजिए और इसको dx, ठीक है। इतना आपको करना है। अब इसको सोल्व करें तो पुट करना पड़ेगा, तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या करता हूं पुट कर देता हूं। देखो t इक्वल टू पुट करना है तो पुट x क्यूब माइनस 1 को मैं t पुट कर दूं तो x की पावर 3 का डिफरेंस कितना, पावर पहले पावर में से एक कम और इसका कितना 0 और किसके रेस्पेक्ट में x के, तो x का कितना dx इक्वल टू में कितना है dt। अब देखो ध्यान से जो i है इसको और एक लाइन और लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt अपॉन में 3, ये लिख सकते हैं ना, ये इतना। अब इसी ऊपर वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं, x क्यूब माइनस 1 इसकी तो वैल्यू हो गई अपने पास में कितना t। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई डीटी अपॉन में ये, लेकिन यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी एक्स क्यूब की, कितनी आएगी टी प्लस 1, ये तो आएगी। वैल्यू एडजस्ट करता हूं, अब देखो इसकी वैल्यू तो कितनी है टी की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है टी प्लस 1, एक्स स्क्वायर की कितनी है डी टी बाई 3, ये वैल्यू। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 1/3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, टी की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखिए ढंग से, आई इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 1/2 1/3 इंटू टी की पावर 1,
प्लस वन के साथ में करेंगे तो टी की पावर वन बाई थ्री, और इसका जो वन बाई थ्री इसको बाहर निकाल लो और ये टी टी में हो जाएगा। तो आई इक्वल टू वन बाई थ्री, इसी को क्या लिख सकता हूं, पावर एट होगी तो थ्री यानी फोर, यानी टी की पावर फोर बाई थ्री प्लस ये कितनी टी की पावर वन बाई थ्री, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो देखो ध्यान से इंटीग्रेट कर देते हैं, वन बाई थ्री देखना ध्यान से, टी की पावर फोर को मुझे इंटीग्रेट करना है, टी की पावर फोर, टी की पावर फोर बाई थ्री को इंटीग्रेट करूं तो टी की पावर फोर बाई थ्री के अंदर वन को एड करके डिवाइड कर दीजिए, प्लस टी की पावर वन बाई थ्री के अंदर वन को एड करके वन बाई थ्री के अंदर वन को एड कर दीजिए, और प्लस में कितना है सी। तो आई इक्वल टू वन बाई थ्री, आगे देखो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है वन एक्स क्यूब माइनस वन इस पूरे की पावर, एड करूंगा तो कितना सेवन बाई थ्री, और इसको भी एड करूंगा तो कितना सेवन बाई थ्री, प्लस टी की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वन, कितनी वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री, और ये कितना आ गया फोर बाई थ्री याद रहेगा, और प्लस में कितना सी। अब देखो इसी को लिख सकता हूं मैं वन बाई थ्री इंटू, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बाई सेवन एक्स क्यूब माइनस वन की पावर सेवन बाई थ्री प्लस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री, और ये कितना आपका थ्री बाई फोर या जाएगा। ऊपर से थ्री और नीचे से थ्री, या फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये थ्री कैंसिल आउट, तो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर सेवन बाई टू, ये थ्री से कैंसिल आउट होगा तो वन बाई फोर एक्स क्यूब माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री, और प्लस में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।